पहले करेंगे क्योंकि बंगाल में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से घमासान छिड़ गया है। दरअसल अमित शाह बंगाल में है और ममता पर निशाना साध रहे। ममता भी पीछे हटने वाली नहीं है, शाह के आरोपों का वो बराबर जवाब दे रही है। चुनाव के बाद बीएसएफ तैनाती को लेकर ममता और केंद्र की तनातनी वैसे भी जारी थी, अब शाह की बंगाल में मौजूदगी से ये लड़ाई और भड़कती हुई दिखाई दे रही है। पहली वजह आपको दिखा देते हैं। आज एक सरकारी कार्यक्रम में शाह और राज्यपाल शामिल होंगे लेकिन ममता बनर्जी को न्योता नहीं दिया गया है। यह कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल में होने वाला है। सीए पर संग्राम छिड़ गया है क्योंकि हर हाल में लागू होगा ये कहा अमित शाह ने। वही ममता बनर्जी कह रही है कि संसद में क्यों नहीं पेश करते हैं ये बिल, क्यों नहीं बिल वहां पर लाया जाता है। इसके अलावा आपको दिखा दें कि कैसे अब बंगाल में घुसपैठ नहीं होने देंगे, ये कहा है अमित शाह ने। लेकिन ममता बनर्जी ने इसका जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि आग से आप ना खेले। विकास के मुद्दे को लेकर अमित शाह ने कहा कि बंगाल को कंगाल बना दिया। यूपी एमपी देखे शाह, ये ममता बनर्जी ने जवाब दिया है जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो बंगाल में ममता को चुनावी जीत तो मिल गई लेकिन सियासी घमासान अब भी थमा नहीं है। बीजेपी ने फिर ममता से लोहा लेना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने ऐलान किया कि सीए लागू होकर रहेगा। आज भारत सरकार में कार्यक्रम में ममता की अनदेखी पर भी सियासत होनी तय है। सीए का जिन एक बार फिर निकल आया। ममता दीदी चाहे जो कहे लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीए लागू होकर रहेगा, बस कोरोना की लहर थमने का इंतजार है। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बंगाल में है। हार के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आए तो उनके वही तेवर थे, निशाने पर ममता दीदी थी। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूँ, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता ने भी शाह पर वार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने सवाल किया, अगर मोदी सरकार सीए लागू ही करना चाहती है तो इसको संसद में पेश क्यों नहीं किया जाता। ममता ने ये भी कहा कि ये बांटने की सियासत है। देखिए, दिस इज देयर टाइम, दे हैव नॉट अमेंडेड एनी ऑफ सी, दैट इज लैप्स, द बिल इज आल्सो लैप्स, व्हाई दे हैव नॉट ब्रिंगिंग दिस बिल टू दिस पार्लियामेंट एंड व्हाई दे आर आस्किंग मी, दे शुड हैव आस्क्ड देयर मिनिस्टर हु आर रेजिंग दिस केयर इश्यू एवरी डे, इट इज दे आर इंटरनल मैटर, दे आर इम्पोजिंग इट टू अदर पोलिटिकल पार्टीज, इट इज नॉट दैट यू आर प्लेइंग द बॉल, इट कैन नॉट प्ले, so ममता और बीजेपी की सियासी अदावत अभी जारी है। अमित शाह आज भी बंगाल में है। दुर्गा पूजा को वैश्विक धरोहर का दर्जा मिलने पर विक्टोरिया मेमोरियल में होने वाले संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में ममता को न्योता नहीं दिया गया है, जबकि कार्यक्रम में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बुलाया गया है जिनका ममता से 36 का आंकड़ा है। ममता की इस अनदेखी पर भी आरोप प्रत्यारोप होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।